साक्षी, वेलकम टू अवर चैनल जहां हम लाते हैं सीरियल से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। दरअसल बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने हाल ही में अपनी सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 का अनाउंसमेंट किया है। फिल्म की रिलीज के लिए 15 साल पूरे होने के मौके पर एक्टर ने एक वीडियो शेयर किया था जिसके कैप्शन में ऋतिक ने लिखा, अतीत गुजर चुका है, देखते हैं भविष्य हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। क्रिश 4, आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा में बनी अब तक की सभी सुपर हीरो फिल्मों में ऋतिक रोशन की क्रिश को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। फिल्म के अभी तक कुल 3 पार्ट रिलीज किए जा चुके हैं और अब फैंस इसके चौथे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ऋतिक के अनाउंसमेंट के बाद दर्शकों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। इसी बीच में इस एक्साइटमेंट के बीच ऋतिक रोशन के एक फैन ने क्रिश 4 की स्टोरी लाइन अपने अंदाज में लिखी और इसे ट्विटर पर शेयर किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फैन ने महज 5 मिनट में ये कहानी लिख डाली और ऋतिक रोशन को भी अपने फैन की लिखी ये कहानी अच्छी लगी। उन्होंने इसे 100 में से 100 मार्क्स दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस फैन के हिसाब से क्रिश 4 की कहानी क्या होनी चाहिए। बता दें कि ऋतिक के फैन द्वारा लिखी गई कहानी के मुताबिक सुपर विलन बन चुके नसीरुद्दीन शाह साल 2022 से वापस आ गए हैं। वह प्रिया और कृष्णा के बच्चों को चुराकर वापस 2006 में लौट जाते हैं। कृष्णा टाइम मशीन के जरिए अतीत में जाकर अपने बच्चों को वापस लाने जाता है, मगर यहाँ नसीरुद्दीन शाह उसे पकड़ लेते हैं। प्रिया अकेली रह जाती है और तब जादू आकर उसे शक्तियां देता है और वह पति को बचाती है। खैर, जो भी हो, आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।